अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शायस्ता सुरैया इस वक्त मौजूद हूँ मैग्नम मॉल हैदराबाद में। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मदर्स डे है और मदर्स डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। वैसे तो नाज़रीन हर दिन माँ का दिन होता है, लेकिन जब से दुनिया थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ गई तो माँ के लिए एक दिन फिक्स कर दिया गया और उसे जो है वो मदर्स डे का नाम दे दिया गया। तो आज मदर्स डे के हवाले से कुछ सवाल करेंगे लोगों से कि उनकी माएँ जो हैं वो उनके साथ किस तरह पेश आती हैं। जब वो गुस्से में होती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, जब वो खुश होती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, ये सारी बातें हम उनसे मालूम करेंगे। और उसके अलावा और कुछ चिट चैट होगी और कुछ मज़ेदार से सवाल होंगे, तो रहिएगा मेरे साथ। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना चल से मेरा मुंह पोछ देना, मैला सा लागे जहां। किसे मारती है मम्मा? तुझे तो मैं बातें बताऊंगी, तेरा भूल जाने दे, तेरा तो मैं मसाला भरूंगी। सही वाली चप्पलें लगी हैं मुझे, जो है डंडे से बेल्ट से जो चीज़ मिल जाए हाथ में जो उन्होंने मारा हो, बहुत शदीद गुस्सा था कि मैं मार दूँ या कुछ कर लूँ। जी बस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मदर्स डे है और मदर्स डे के हवाले से आज हमें इत्तेफाक से पहला जो कपल मिला है वो माँ और बेटा ही हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनकी माँ जो है जब गुस्से में होती हैं तो क्या करती हैं। जी बेटा, जब आपकी अम्मा बहुत गुस्से में होती हैं तो आपके साथ क्या करती हैं? डांटती है बस, और कुछ भी नहीं करती। नहीं, कोई बेलन बेलन शेलन उठा के मारा, कोई चप्पल उठा के मारी, कुछ भी? एक ही बेटा हूँ मैं। अच्छा, एक ही बेटे हैं? हाँ। मैम आप? कुछ भी नहीं, सिर्फ डांटती हैं। बस थोड़ी सी देर से आता है तो थोड़ा सा डांट, बस खामोश हो जाती हूँ। कभी चप्पल नहीं उठाई? नहीं नहीं, जिंदगी में नहीं। कभी अम्मा की कोई ऐसी बात याद हो जब वो बहुत किसी आपकी शरारत से बहुत गुस्से में आई हो, रिएक्ट किया हो, तो कैसे रिएक्ट किया? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, तेरा भूल जाने दे, तेरा तो मैं मसाला भरूंगी। दोबारा से बोल दे, तेरा भूल जाने दे, तेरा मैं मसाला भरूंगी। मसाला कहाँ भरेगी? मारूंगी। ये बोलती है अम्मी, जब ज़्यादा गुस्सा होता है उनको, ये आँखें चलती नहीं, यूँ इनमें तो मिर्ची भरूंगी मैं, और ये जबान चलती है कैसे से कटेगी। तो हाँ, ये कि कल हम लोगों के साथ रिसेंट एक एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे बच्चा गिरा था तो लिफ्ट से, तो उसकी वालदा ने पकड़ के उसको जो है ना चमाटे करा दी इधर खड़े खड़े, वो देसी मार दी उनको। तो मैंने कहा कि आंटी उसको छोड़ दें, बोला नहीं इसने गलती क्यों की है, उसको हमारे सामने जो है ना उसने थप्पड़े खा रहा, उधर ही चमाट मारने शुरू हो गई। आपने कभी डांट नहीं? नहीं, मैं डांट नहीं, मार खाइए डांट नहीं मार। अच्छा, मार कैसे खाइए, बेलन से खाइए, चप्पल से खाइए या हाथ से? नहीं, मैंने चप्पलों से मार खाइए। हाँ, सही वाली चप्पलें लगी हैं मुझे, जो हाँ ठीक ठाक, नहीं नहीं करीब से करीब टिका के, मतलब टिका के चप्पलें मारी। बहुत कम मारती हूँ, बहुत कम। अच्छा मारती हैं तो कैसे मारती हैं? बचपन में मारा था, बड़े हो गए अपनी हाथ लगाती हैं, बिल्कुल भी अब समझाती हैं। बचपन में कैसे मारा था? हाथों से ही मारती हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कोई कहे कि दूर से चप्पल उठा के मारी, दूर से बेलन उठा के मारा। नहीं, चप्पल वाला और हैंगर वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। ये है कि गलती पे समझाया और गलती पे उन्होंने मारा है। मैं किस चीज़ से मारा? डंडे से, बेल्ट से, जो चीज़ मिल जाए हाथ में जो उन्होंने मारा। जो चीज़? जी मैम, उन्होंने हमारी भलाई के लिए मारा। मैम क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं शॉपिंग करने आया हूँ, डेफिनेटली ग्रोसरी। ईद गुजर गई, सब कुछ कुछ गुजर गया, आप किस चीज़ की शॉपिंग करने? तो खाना पीना तो चलता रहता है पूरा साल, ईद के बाद नहीं खाती आप? नहीं, मैं तो खाती हूँ। मैं आपको बस, फिर हम भी खाते हैं। ग्रोसरी के लिए आए मैं। अकेले क्यों आए, फैमिली के साथ क्यों नहीं आए? नहीं, कुछ मॉल ऐसा है, अकेले आना अच्छा है। वो सिलसिला अभी भी है? नहीं, कुछ मामूली चीज लेनी थी इसलिए अकेला आ गया मैं। अच्छा, कौन सी मामूली चीज? एक दो चीजें लेनी थी, ज्यादा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पसंद से ले जाता हूँ, इसलिए वाइफ नहीं था। कभी अम्मा की कोई ऐसी बात याद हो जब आपने कोई मतलब बड़ी शरारत की हो और उस पर पिटे भी हों और डांट भी खाई हो? स्कूल के हॉलीडे पे ऐसा हुआ है। हॉलीडे या बंक डे? हाँ, बंक डे भी हो जाता है कभी कभी। क्या हुआ? तो अम्मा डांटती हैं। सिर्फ डांटती हैं? मारा भी बहुत। कैसे मारा? वैसे ही मतलब बंक करके आए क्लास और पीछे से जो है जूता उठाया और वहीं से उठा के मारा। बंक किया क्लास तुमने? जी बिल्कुल। मदर है? जी। जी ये जो क्लासेस बंक करते हैं बच्चे और फिर माओ को जब पता चलता है तो माओ का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पे होता है, उनका पारा जो है सातवें आसमान पे होता है, तो कैसे रिएक्ट करती थी आप?
मुझे बहुत गुस्सा आता है, बस मेरा जी चाहता है कि मैं क्या करूँ, बहुत शदीद गुस्सा आता है कि मैं मार दूँ या कुछ कर लूँ, बहुत ज़्यादा आता है गुस्सा। तो कभी ऐसी कोई बात याद है कि आपने ऐसे मारा हो और आपको याद रखो, यादगार लम्हा हो? हाँ, एक दफ़ा मारा था, गिलास ज़ोर से फेंक कर मारा था तो खून भी आ गया था। हाँ, बस ये किस बात पर? वो बस बड़ी बहन है ना, उसको मैंने कहा था पानी का गिलास दो, इसके बुखार हो रही थी शदीद, ठीक है ना, फिर वो लेकर आई पानी, तो पानी गिरा ना तो वो उसके ऊपर गिरा, तो बहन को भी मारा और इसको भी मारा, दोनों को डांटा, दोनों को, जो बीमार बच्चा था उसको भी मार दिया, वो सही हो गया। आप बीमार से सही हो गया जी? जब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती तो पाइप से मारती है, बस पाइप से मारती है। आपको दर्द नहीं होता? नहीं, कोई छुड़वाता नहीं घर में? छुड़वाता है, मेरी बहन है, मम्मा मारती भी है, डांटती भी है। मारती कैसे थी? जैसे सब माए मारती है वैसे हमारी माँ मारती थी। कैसे मारती हैं? वही चमाटे मारती हैं, बेलन से मारती हैं, चप्पलें मारती हैं, खींच के मारती हैं दूर से, जैसे गुस्से में आते जैसे चमाटे मारती है, जैसे मारती थी बस। ये बताएगी मेरी गुड़िया, मम्मा कैसे मारती है आपको? मम्मा मारती है आपको? मम्मा मारती है? कैसे मारती है मम्मा? ओ मेरा मासूम बच्चा, इतने से बच्चे को अम्मा किस बात पे मारती है? ये मम्मा को तंग करती है इसने ना भाई। आंटी मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे होंगे अब तो बड़े हो गए होंगे? चलो बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आपके बच्चे छोटे थे तो वो कभी कोई शरारत करते थे तो आपको गुस्सा आता था? कम आता था, लेकिन आजकल की माओ को ज़्यादा आता है, आजकल की माओ को ज़्यादा आता है। क्यों आता है, कोई वजह? नहीं, ये मेरी दोती है, इसकी अम्मी डॉक्टर है, इसके ऊपर बड़ा गुस्सा करती है। ऊपर क्या करती है, कैसे कैसे गुस्सा करती है डॉक्टर? आप हैं इनकी माँ? हमारी माएँ तो ऐसे ही करती थी, मगर आजकल के बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, यही चप्पल उठाई और फेंकी। हाँ, दूर से। और निशाना खता हो जाए तो बस कभी चुक जाता है, कभी लग भी जाएगी। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, या समटाइम ऐसा होता है बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, बिल्कुल बात नहीं करती और बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, गुस्सा नहीं करती, समटाइम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हैं। मैं नहीं, कभी कभार कुछ ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त गलती होती है, उस पर कोई चमाट लगा दिया तो ठीक, वरना नहीं। जी भी बस, जैसा कि आपने देखा कि आज मदर्स डे के हवाले से हमने बच्चों से सवाल किए कि उनकी माएँ कैसे रिएक्ट करती हैं। वैसे तो हर एक का यही कहना था कि हर दिन माँ का दिन होता है, लेकिन इंटरनेशनली जो एक दिन मनाया जाता है वो उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। कुछ बच्चियाँ जो हैं वो अपनी माओं के लिए तोहफे तहफ भी ले रही थी, कुछ कह रही थी कि केक्स लेकर जा रहे हैं, सेलिब्रेट करेंगे। कुछ बच्चों ने जो है वो अपने अम्माओं के जो है वो रिएक्शंस बताए कि वो जब गुस्से में होती थी किस तरह रिएक्ट करती थी। किसी ने बताया कि पाइप से मार खाई, किसी ने बताया कि सिर्फ थप्पड़ों में गुजारा हुआ, किसी ने ये बताया कि दूर से जूता उठा के मार दिया, बल्कि एक ने तो हद ही मुका दी कि बच्चा बीमार था, बहन को कहा कि पानी लेकर आओ, बहन के हाथ से ग्लास गिर गया तो वो ग्लास उठा के उन्होंने उसी बच्चे को मार दिया जो बीमार था और वो बच्चा ठीक हो गया। एनीवेज, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन फहीम लोधी के साथ शाइस्ता सुरैया, हैदराबाद टाइम्स। Oh,